नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। भारत के उन सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कराया हुआ है। काफ़ी लंबे समय से किसान अपने 14वीं किस्त के 2000 रुपये का इंतज़ार कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा उनका इंतज़ार अब समाप्त कर दिया गया है। इंतजार समाप्त करते हुए यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब हमें ये स्क्रीनशॉट कहाँ से मिला है, अब कहाँ पर आप भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है इस अपडेट में। सरकार कब किसानों के बैंक खाते में 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये ट्रांसफर करेगी उसकी जानकारी दी है। किस समय करेगी, सुबह के टाइम करेगी या शाम के टाइम करेगी, वह भी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। अब यहाँ पर किन किसान को यहाँ पर 101%, जी हाँ दोस्तों, 101% इस योजना के 14वीं किस्त के 2000 रुपये का लाभ मिलेगा उसकी जानकारी आपको मिलने जा रही है। और कौन से किसान यहाँ पर इस बार छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि जिनको 14वीं किस्त के 2000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो जो किसान यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन से यह ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहता है, तो जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको लिखना है PM इवेंट। देखिए PM इवेंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं और इसको हम सर्च कर देते हैं। देखिए सर्च हमने किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा NCOG वेलकम टू PM इवेंट। यहाँ से हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक होने के बाद देखिए हमारे सामने एक अगला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PM इवेंट, इसमें लिखा हुआ है यानी कि PM नरेंद्र मोदी टू ट्रांसफर 14वीं इंस्टॉलमेंट टू 8.5 यानी कि 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 28 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे जैसे हर बार करते हैं, एक बटन दबाकर DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2000 रुपये हस्तांतरित करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उनको यह लाभ मिलने जा रहा है। आप सभी किसानों के लिए लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है। अब देखिए आपको समझ आ चुका है कि ये कहाँ से अपडेट जारी हुआ है, यानी कि PM इवेंट का एक सरकारी पोर्टल है। यहाँ पर जितने भी PM मोदी अपने इवेंट करते हैं, जहाँ जहाँ पर इवेंट होते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पर अपडेट की जाती है। अब अगला इवेंट 28 जुलाई को रखा गया है, 28 जुलाई 2023 को, जो कि PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है। उस यानी कि 28 जुलाई 2023 को ट्रांसफ़र करेंगे 14वीं इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये, 8.5 करोड़ किसानों को यह लाभ मिलने जा रहा है। अब बात आती है कि 8.5 करोड़ में से किन किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा और किन को लाभ नहीं मिलेगा, अब यह जानकारी हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हम सीधा आपको दोबारा से क्रोम ब्राउज़र पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है PM किसान। जब आप यहाँ पर PM किसान सर्च करेंगे, PM किसान लिखकर आप सर्च कर देते हैं, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो पोर्टल है PM किसान योजना का, आप उस पर विजिट करना है, हम आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक होने के बाद थोड़ी देर में आपके सामने एक अगला पेज ओपन हो जाता है, जैसे हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर आप स्वयं भी इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है EKYC, जिन किसानों ने EKYC नहीं कराई है उनको लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिएगा। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको हम बताते हैं यहाँ पर कि किन को लाभ मिलेगा, किन को लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपको 14वीं इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, जानने के लिए आपको यहाँ पर नो स्टेटस पर देखिए लिखा हुआ है नो स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमने क्लिक तो कर दिया है, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मालूम है,
तो रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, देखिए नो योर रजिस्ट्रेशन लिख रहा है ना नीला नीला इसके पीछे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक हम दोबारा से करते हैं, क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि अपना नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जानने के लिए कैसे जान सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से जान सकते हैं, अपने आधार से, अब जिससे भी आप जानना चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यदि आप मोबाइल नंबर से जानेंगे तो इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, यदि समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा, आप दूसरा आ जाएगा नया। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने होगा वह इस कॉलम में आपको डालना है और गेट डेटा पर क्लिक करना है। इतना होने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से आप किसी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको नो योर यानी कि अपनी स्थिति जाने, नो योर स्टेटस का मतलब होता है। अब यहाँ से आने के बाद वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इस कॉलम में डालना होगा, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको इस कॉलम में डालना है और गेट डेटा पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर इस तरह का क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्टेटस है वह ओपन हो जाएगा। अब किस प्रकार का आपके सामने स्टेटस होगा, किनको लाभ मिलेगा किनको लाभ नहीं मिलेगा, वह हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन सभी किसानों को यहाँ से अपना स्टेटस एक बार चेक कर लेना है, तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, गेट डेटा पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा अपडेट योर डिटेल, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अपडेट योर डिटेल। यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस आपको नज़र आएगा, जिसमें आपका, अब बात करते हैं जिन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 14 इंस्टॉलमेंट जिन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, कैसे आप पता कर सकते हैं। देखिए उन किसानों का लैंड सीडिंग नो होगा, रेड हो रहा होगा, आपको एक कारण मालूम हो चुका है। दूसरे कारण की बात करते हैं, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, तो उनका यहाँ पर नो लिखा मिलेगा और क्रॉस का निशान मिलेगा। इस प्रकार से देखिए दो कारण मालूम हो चुके हैं। बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में, जिसका EKYC अभी तक नहीं हुआ है जिन किसानों का, उनका यहाँ पर नो लिखा मिलेगा। तीन कारण आपको मालूम हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़े कारण हैं जिनको इस बार किसानों को 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो आपने देखा किन किसानों को यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा। अब जो नीचे है एक स्टेप, यहाँ पर आपका FTO है, देखिए लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में बताया गया है इन किसानों को अब तक 8 किस्त मिल चुकी है, लेकिन ये सभी चीज़ें इन्होंने अपनी ठीक नहीं कराई है, FTO इनका प्रोसेस में है, तो ये भी आपका प्रोसेस में होना चाहिए, यस होना चाहिए। अब यहाँ से आपको मालूम हो चुका है कि किन को लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि 101% किन किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त के 2000 रुपये सरकार 28 जुलाई 2023 को ट्रांसफ़र करेगी। देखिए दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं अपडेट योर डिटेल में किन किसानों को लाभ मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे किसान हैं, आप पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस। अब जिन किसानों का लैंड शेडिंग ग्रीन हुआ है, यस हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण लाभ मिलने का, देखिए ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, जिसमें आपका लैंड शेडिंग भी बिल्कुल सही है, यानी कि आधार बैंक अकाउंट सेडिंग स्टेटस, आपके बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए, स्टेटस आपका राइट होना चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, EKYC आपके कंप्लीट होनी चाहिए। अब तीन यहाँ पर राइट निशान लग चुके हैं, ग्रीन होने चाहिए, यस लिखा होना चाहिए। अब आपको नीचे ले चलते हैं, नीचे होने के बाद देखिए इन किसानों को अब तक 13th इंस्टॉलमेंट मिल चुके हैं, यानी कि सभी जानकारी इनकी सही है, FTO प्रोसेस ये भी राइट है। ऐसे किसानों को 101% 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये दिए जाएंगे। अब जिन किसानों को यहाँ पर 14वीं किस्त के 2000 रुपये मिल जाएंगे, उन किसानों को आसानी से 15वीं किस्त के 2000 रुपये भी आसानी से मिल पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम हो चुका है कि किन किसानों को इस बार लाभ मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। अब देखिए किसानों के लिए एक सबसे बड़ा अपडेट है, और बहुत से किसानों के मन में यह विचार चल रहे थे कि हमें यहाँ पर 14 इंस्टॉलमेंट के 2000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, 14th इंस्टॉलमेंट कब आएगी। तो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। यदि जानकारी को लेकर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको मर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।